क्या जॉनी बेस्टो आउट थे? आउट, यस वो आउट थे, नियमों के मुताबिक वो आउट थे। फिर आप बात करते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम। स्पिरिट ऑफ द गेम वो चिड़िया है जो दाना चुग चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि स्पिरिट ऑफ द गेम की कोई अहमियत रह गई है क्रिकेट में, वो पुराने जमाने में हुआ करता था। और दूसरी बात है यार कि मतलब आज मैं कर दूं और कल जब मेरे पे हो जाए तो मैं स्पिरिट ऑफ द गेम ले आऊं, ये भी गलत है। जॉनी बेस्टो क्या आउट थे? वो आउट थे, लीगली वो आउट थे। जॉनी बेस्टो की गलती ये थी कि वो क्रीज के बाहर चले गए। अब आप दोनों जो उसमें मेन लीड एक्टर्स हैं, एलेक्स कैरी, कैरी के पास बॉल गया, उन्होंने जैसी बॉल आया इन वन सिंगल मोशन बॉल विकेट पे फेंक दिया। दैट मीन्स उन्होंने एक्चुअली अटेम्प्ट किया और वाजिब किया उन्होंने। जॉनी बेस्टो को थोड़ा सा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि हर बॉल और आखिरी बॉल ऑफ द ओवर में फर्क होता है। हर बॉल खेल के आप आगे चले जाओ जो वो उससे पहले तीन चार बार कर चुके थे, तो वो मुझे लगता है इन्फ्रिंजमेंट है। ये शायद मुझे लगता है कि उनको मालूम था आखिरी बॉल है। और अगर आप देखेंगे बॉल जब वो बैठे हैं उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने अपना गार्ड ऐसे मार्क किया जैसे तकरीबन किसी का कोई आदत होती है ऐसे, और वो चार कदम आगे चले गए। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे, मैंने राहुल को पहले भी दिखाया, हल्का सा जो स्क्वायर लेग अंपायर होता है वो उनके लिए पॉइंट पे खड़ा था और वो स्क्वायर लेग अंपायर का हल्का सा सिर नीचे जाता है वैसे ही। दैट मींस वो भी बॉल पे नहीं देख रहा और आधा कदम वो चल पड़ता है, यानी कि वो एज्यूम कर चुका है कि ओवर हो चुका है और उन्होंने भी नहीं देखा। जो मेन अंपायर है, जो मेन अंपायर है, मुझे लगता है कि मेन अंपायर के हाथ में चाबी थी, वो चाहता तो लॉस ऑफ द गेम में वो ये कह सकता था कि बॉल डेड हो चुकी है, लेकिन उस अंपायर ने नहीं कहा। वो अंपायर बिल्कुल नियमों के मुताबिक चला कि मैंने ओवर बोला नहीं है। अब मैं फुटेज बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो फुटेज मिली नहीं। जो मेन अंपायर है क्या उन्होंने कोई मूवमेंट की थी? क्योंकि आमतौर पर जब बॉल हो जाता है जब तक सामने वाला अंपायर मेन अंपायर ये नहीं बोलता इट्स ओवर तो ओवर माना नहीं जाता। क्या वो बोलने से पहले उन्होंने जैसे होता है ना बॉलर का कैप पकड़ाया हो या कैप हाथ में ऐसे किया हो या स्वेटर उतारा हो, विच मींस कि वो भी उस मोशन में है कि बॉल अब डेड होने वाली है, तो वो मैं देखना चाहता हूँ, वो हुई नहीं। अब जॉनी बेस्टो को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर आप दोगे कि यार लास्ट बॉल ऑफ द ओवर थी और रन तो वो ले नहीं रहे थे और वो उन्होंने अपनी क्रीज भी मार्क की है एज्यूमिंग कि वो नो बॉल ओवर खत्म हो गया, बट वो इतना जल्दी हुआ। आधा सेकंड जॉनी बेस्टो ने अगर इंतजार कर लिया होता तो शायद आप किसी के मुंह से, अंपायर के मुंह से ओवर सुन लेते। वहां पर एलेक्स कैरी को जो राहुल ने भी पॉइंट आउट किया था अभी अंग्रेजी में कि उन्होंने जैसे ही बॉल पकड़ा उन्होंने फेंक दिया, तो मुझे लगता है कि जब वो गेंद लग गया और अंपायर ने थर्ड अंपायर को भेज दिया फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक।